नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तीस वर्ष पूर्व मैं जब विधिवत शंकराचार्य पुरी के पद पर प्रतिष्ठित किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनवाया। उसका लक्ष्य था अयोध्या में यथास्थान मंदिर बने, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बने। उनके लक्ष्य का मुझे पता चला, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मेरे अतिरिक्त मान्य शंकराचार्यों ने और श्रीमध्वाचार्य इत्यादि महानुभावों ने अहोभाग्य समझकर उत्साहपूर्वक उमंगपूर्वक हस्ताक्षर किया। लेकिन नरसिंह राव जी ने टिप्पणी की, भले ही पूरी के शंकराचार्य पद की दृष्टि से नए हों लेकिन मुझ में वो क्षमता नहीं कि उनके हस्ताक्षर न करने पर भी मंदिर बनवा दूँ। यदि मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही अयोध्या में यथास्थान मंदिर बन गया होता, आमने सामने अगल बगल मस्जिद का निर्माण हो गया होता। अब मंदिर बनने का प्रकल्प चल रहा है, लेकिन यह समझना चाहिए कि जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तब हस्ताक्षर करने वाले महानुभावों ने और नरसिंह राव ने मिलकर एक आतंकवादी हुर्रियत नेता का एजेंट पुरी के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित माना गया और देश विदेश में घुमाया गया। कांग्रेस ने उसको जन्म दिया, सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया। आज कई प्रांतों में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। आदित्यनाथ योगी जिस प्रांत के हैं मुख्यमंत्री, उसी प्रांत का वो व्यक्ति है जो आतंकवादी शंकराचार्य बन के देश विदेश में घूमता है। मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी सब मेरे परिचित हैं, लेकिन मैं समय देता हूँ 15 दिनों का। अगर उस आतंकवादी को जो देश के विरोध में हुर्रियत नेता आदि से भी मिला हुआ है पूरी पीठ पर घुमाते रहे तो मैं न आदित्यनाथ योगी न मोदी जी का शासन होने दूंगा और कांग्रेस को भी शासन नहीं होने दूंगा जिसने उसको जन्म दिया था। विप्लव मचा दूंगा, भारत का फिर स्वरूप कुछ और ही होगा। इसलिए मोदी जी, योगी जी सावधान, मुझे दुर्बल न समझें। मैं ब्रह्म तेज का प्रयोग करूंगा तो कोई टिक नहीं सकेंगे। नारायण।